Now I request Dr. Muhammad Hussain for the lecture today, Management of Bronchial Asthma in COVID Patients. Dr. Muhammad Hussain is FCPS Medicine, FCPS Pulmonology, serving at Surgical Institute of Medical Sciences, one of my parent institutes. Before Jinnah Hospital, we trained from same Institute of Medicine. Request, please welcome Dr. Muhammad Hussain. शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी। और आज का जो टॉपिक है वो इस हवाले से बेहतर है, अच्छा भी है कि अस्थमा को हम मैनेज करें। कोविड का टाइम अब तो खैर काफ़ी गुजर चुका है, जहाँ हम पहले दिन रात कोविड के पेशेंट ही पेशेंट देख रहे थे, और अब पेशेंट की तादाद हमारे 32 बेड आईसीयू हुए एस्टेब्लिशन सर्विसेज हॉस्पिटल फुल वेंटिलेटेड एंड वी हैड 32 बेडेड आईसीयू एंड 30 बेडेड एचडीयू। सो नाउ जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हमारे पास हैं आईसीयू में वो 5 रह गए हैं, और एचडीयू में भी 7 के करीब पेशेंट हैं। सो द नंबर फ्रॉम 120 पेशेंट टू ड्रॉप टू 12 पेशेंट, तो इतनी रिडक्शन आ चुकी है। सो अस्थमा के बारे में आप सबकी इंफॉर्मेशन बहुत सारी होंगी। मैं कुछ चीज़ें, इसका मकसद जो है वो ये है कि हम कुछ नॉलेज शेयर करें, कुछ चीज़ों को जो आपको पहले से आती होंगी उनके बारे में डिस्कस कर सकें। सो अस्थमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये वो मिथ हैं, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो लोगों के जहन में मौजूद थे कि अस्थमा क्या करेगा। नहीं यार, सबको देखना तो मैं भी देखना है, ठीक है। सो अस्थमा की वजह से हम ये समझते थे, वी हैड जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमने भी अपने मरीजों को अपने घरों में बंद कर दिया था कि आपके फेफड़े कमजोर हैं, आप सीओपीडी के पेशेंट हैं, आप अस्थमा के पेशेंट हैं, तो आपको अगर कुछ हो गया तो आप नहीं बचेंगे और आपने बहुत एहतियात करनी है। बट जब 18 माह गुजर गए, अब बहुत सारा डाटा आ चुका है, एंड इट वाज सीन कि देयर वाज नो इंक्रीज रिस्क ऑफ कोविड इन पेशेंट ऑफ अस्थमा। जितना रिस्क कोविड का नॉन एस्थमेटिक में है, इतना ही कोविड का रिस्क एस्थमेटिक के अंदर है। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि जिन लोगों में अस्थमा या सीओपीडी होगा उनमें कोविड ज्यादा होगा। अगला पॉइंट एक ये आया कि वो पेशेंट जिन लोगों में अस्थमा है, क्या उन लोगों में कोविड ज्यादा सीवियर होगा, क्या उन लोगों में डेथ ज्यादा बढ़ेगी। ये भी बीइंग ए पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे जहन में था कि द पेशेंट हैव ऑफ आईएलडी, द पेशेंट हैव अस्थमा, हैव अ सीओपीडी, दे हैव ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड पल्मोनरी रिजर्व्स, उनके लंग के रिजर्व तो पहले से कम है। अगर उनमें कोविड हो गया तो ज्यादा चांस है कि वो ज्यादा खराब होंगे, ज्यादा खराब होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन पर जाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन पर जाएंगे तो ज्यादा डेथ होंगे। दैट वाज ओवर मिथ। लेकिन जब हमने आईसीयू में भी देखा तो मेरे आईसीयू में इन 1000 प्लस पेशेंट रहे इन 18 माह के अंदर, तो हमने बहुत कम पेशेंट ऐसे देखे जो अस्थमा के थे और वो कोविड आईसीयू तक पहुंचे। आईएलडी के पेशेंट भी हमने कम देखे, हमने जनरली हेल्थी हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक पेशेंट ज्यादा देखे, कार्डिक पेशेंट भी देखे, लेकिन पल्मोनरी प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट आईसीयू तक कम पहुंचे। तो ये हमारा अपनी ऑब्जर्वेशन थी। और फिर जब सारा क्यूमुलेटिव डाटा आया तो ये भी देखा गया कि देयर इज नो रिस्क कि जिन लोगों में अस्थमा है वो ज्यादा सीवियर हों। बट अपार्ट फ्रॉम वन, इसकी एक वो मरीज जिन लोगों ने एक माह के अंदर अंदर ओरल स्टीराइड दिए थे बिकॉज ऑफ एक्सेसर्बेशन, उनमें ये देखा गया कि उनमें सीवियर कोविड ज्यादा हुआ। इसकी रीजन कोई बहुत बड़ी नहीं है, उसकी वजह यह कि अस्थमा जो कोविड है, कोविड क्या कर रहा है, कोविड का वायरस आता है, एस के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, एस के रिसेप्टर्स हमारे म्यूकोजा के अंदर मौजूद हैं, नेजल म्यूकोजा के अंदर हैं, ओरल म्यूकोजा के अंदर, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं। यहां से वो जाता है और उसके बाद जिस जगह से एस ने गुजरना है, जहां पर हमारे एआरबीज ने गुजरना है, वहीं पर जाके कोविड ने गुजरना है। तो
जब वो गुजरता है तो वहां पर लोकल इन्फ्लामेशन करता है, तो लोकल इन्फ्लामेशन की वजह से लोगों में अस्थमा वर्स हो सकता है। तो वो पेशेंट जो पहले से ही एक्सेसरबेशन में थे, जब उनको कोविड हुआ तो उनको सीवियर देखा गया कि उनमें कोविड सीवियर हो सकता है। अच्छा, एक और चीज जो जो कॉन्ट्रेरी टू दैट देखिए कि इन डेढ़ साल में, हम पिछले हर साल आप तमाम लोग देखते होंगे, जैसे ही सितंबर का मौसम स्टार्ट होता था तो अक्टूबर के अंदर ही, अक्टूबर में या नवंबर के अंदर बहुत सारे पेशेंट गला खराब के साथ आना शुरू हो जाते थे, 20 के साथ आना शुरू हो जाते थे, अस्थमा एक्सेसरबेशन बहुत सारी आना शुरू हो जाती थी, हमारे क्लिनिक भी और आप लोगों के क्लिनिक भी अस्थमा एक्सेसरबेशन 20 से भर जाते थे, एवरीबॉडी इज कफिंग एंड एवरीबॉडी हैज 20। सेम इन मार्च गंदम की कटाई का मौसम, जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, गंदम की कटाई का मौसम स्टार्ट हो गया तो उसमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो लेकिन इस 18 माह में ये चीज़ देखी गई कि लोगों की एक्सेसरबेशन कम हुई। हमें ये सीजन जो हम हर साल अक्टूबर में, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो सीजन देखा जाता था, वो सीजन जो पल्मोनरी प्रॉब्लम्स का बढ़ा हुआ सीजन था, नंबर ऑफ पेशेंट बहुत बढ़ जाते थे, वो ऐसा नहीं हुआ। इस डेढ़ साल में ये पैटर्न देखने में नजर आया, और ये पैटर्न सिर्फ पाकिस्तान में नजर नहीं आया, ये पैटर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड नजर आया। तो एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा रिड्यूस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, इसकी फिर मुख्तलिफ वजूहत बयान की गई हैं, वो आप लोगों के जहन में भी होंगी कि लोगों ने मास्क इस्तेमाल किया, लोगों ने जो है ओवरऑल इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम होगी, गाड़ियां कम चली और लोग बाहर कम निकले, दुकानें कम चली, लाइफस्टाइल रिलेटिवली बेहतर रहा, घर में लोग ज़्यादा रहे। सो रिजल्ट ये निकला कि ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ, ओवरऑल हैंड हाइजीन ज़्यादा इस्तेमाल हुई, ओवरऑल लोगों के अंदर मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, तो जिसकी वजह से एक ट्रेंड नज़र आया पूरी दुनिया में कि एक्सेसरबेशन कम हो गई। ये चीज जो देखी गई है ये हमारे लिए एक सबक है। सो इफ वी आस्क कि हम कैसे अस्थमा एक्सेसरबेशन को कम कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा जवाब तो यही है कि जैसे पेंडेमिक में हमने किया ऐसे ही अगर हम करते रहेंगे तो हो सकता है कि एक्सेसरबेशन कम हो जाए। सो इफ समबडी इज यूजिंग मास्क पीरियड्स, इफ समबडी इज यूजिंग हैंड हाइजीन, और अगर वो लोग कम बाहर निकलते हैं और ओवरऑल पोल्यूशन अगर कम हो जाती है तो फिर भी एक्सेसरबेशन कम होती जाएंगी। एक और जो बड़ी अच्छी स्टडी देखी गई, देयर वाज अ जो दैट बेस्ड ऑन कनाडा एंड बेस्ड ऑन यूके, वो ये कि वो लोग दे ट्राइड कि जिन लोगों को ओल्ड एज है, जिनकी 50 इयर्स से ज्यादा एज है, उनको माइल्ड कोविड हुआ है, माइल्ड कोविड से मुराद ये थी कि उनको सिम्टम्स आ गए, कोविड पॉजिटिव आ गया और उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एग्जेशन थी लेकिन हाइपोक्सिया नहीं था, 95 से अबव सैचुरेशन रही, दैट वाज क्लासिफाइड टू माइल्ड कोविड। जिन लोगों को माइल्ड कोविड था, दे वर ट्रीटेड ऑन ओपीडी बेसिस। इन लोगों को फॉर्मिट्रॉल दिया गया या जिनको ब्लूसिनाइड दिया गया फॉर देयर ट्रीटमेंट ऑफ वीज, और जब 6 माह के बाद देखा गया कि वो 50 साल से ज्यादा लोग जिनको फॉर्मिट्रॉल या ब्लूसिनाइड दिया गया, उनके नंबर ऑफ पेशेंट कन्वर्टेड टू सीवियर डिजीज कम थे एज कंपेयर टू जिनको नहीं दिया गया। अगर बैठे हुए 20 लोग हैं, 20 में से 20 को माइल्ड कोविड मौजूद है और उस माइल्ड कोविड में से 10 को हम फॉर्मिट्रॉल दे देते हैं या ब्यूटोसिनाइड, 5 को फॉर्मिट्रॉल दे देते हैं, 5 को ब्यूटोसिनाइड दे देते हैं और बकाया 10 को कुछ भी नहीं देते, और फिर हम अगले 20 दिन के बाद देख लेते हैं कि यार इनका क्या रिजल्ट निकला। तो जिन लोगों में इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन दी गई थी, उनमें से 10 में से 2 लोग सीवियर केस में गए, वो माइल्ड की बजाय मॉडरेट टू सीवियर में चले गए, जबकि जिनको नहीं दिया गया उनमें से 5 चले गए। सो देयर इज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ फॉर्मिट्रॉल एंड ब्यूटोसिनाइड इन माइल्ड केसेस के अंदर कि वो सीवियर में नहीं जाएंगे। सो दैट्स हेल्पफुल। ये लैंसेट में स्टडी छपी थी बात 2020 में। अच्छा, वैक्सीनेशन फॉर ऑल, चाहे वो पेशेंट अस्थमा का है, चाहे वो पेशेंट सीओपीडी का है, चाहे वो पेशेंट आईएलडी का है, चाहे वो ओल्ड निमोनिया का है, पुरानी टीबी का है, टीबी फाइब्रोसिस का है,
श्रीलंका है, इन तमाम लोगों के अंदर कोविड वैक्सीन का फायदा देखा गया, सबके लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि वो ना करवाए, चाहे एसएलई न्यूमोनाइटिस का है वो सबके अंदर है, तो इज नो कंट्राइंडिकेशन। अगर किसी को पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल से स्पेसिफिकली एलर्जी है तो वो ना करवाए, अदरवाइज एवरीबॉडी देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन फॉर दैट। अब कोविड की वैक्सीन भी साथ हो रही है और साथ फ्लू की वैक्सीन भी हो रही है, तो इन दोनों के अंदर 2 वीक्स का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंटीवायरल की हैं, आरएनए बेस्ड वायरस हैं, तो ये एक दूसरे को बढ़ा सकती है, तो इसलिए अगर आप दोनों वैक्सीन किसी को एडवाइस करते हैं तो द गैप मस्ट बी 2 वीक्स। दोबारा कुछ चीज़ों के बारे में, दोज़ हु अस्थमा हैज़ वर्स आउटकम, ये मिथ था हमारे जहन में, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं है जो इसको फेवर करे। दोज़ अस्थमा मोर लाइकली टू गेट कोविड, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, ऐसा है? तो इसका जवाब भी है कि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिनको अस्थमा है उनको ज़्यादा चांस है कोविड हासिल करने का, ठीक है। स्टीराइड आर डेंजरस इन कोविड सो स्टॉप इनहेलर्स, ये भी लोगों के जहन में एक क्वेरी थी, तो ऐसा नहीं है, जो बंदा अस्थमा या सीओपीडी का जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, इनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट तो हो सकता है इनहेलर्स का, डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं है। सो इनहेलर बंद करके चांस है कि आप खराब हो जाएंगे, लेकिन इनहेलर लेते हुए ऐसे कोई चांस नहीं है कि आप खराब होंगे, बल्कि चांसेस ये हैं कि इनहेलर लेते हुए आप माइल्ड से सीवियर कोविड में ना जाने का रिस्क आपका 50% रिड्यूस हो जाएगा। हम कुछ इसको इंटरेक्टिव कर लें, एक स्नैरियो दिया गया है, मैं इसको जरा फास्ट लेके चलता हूँ। ये स्नैरियो है जिसमें 26 ईयर्स ओल्ड वुमेन है जो कि 2 साल से एपिसोडिक कफ हो रही है, उसको चेस्ट टाइटनेस होती है 1 or 2 per month होती है, सिम्टम्स बिगेन आफ्टर एक्सपोजर टू डस्ट स्मोक और परफ्यूम, एटोपी मौजूद है, then she had cough and chest discomfort after throat infection typically lasting several weeks, जब भी उसको होता है cough start होती है पर RTI के बाद वो 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते चलती है, और in between वो बिल्कुल ठीक रहती है, जब उसको ये episode नहीं आते तो वो बिल्कुल ठीक रहती है, तो physical examination पे कोई वीज नहीं आ रही, और जब spirometry की गई तो वो भी normal है। लेकिन पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब जब मुझे खांसी आती है इस सीजन में, जब मेरा गला खराब होता है, जो खांसी आती है 2 हफ्ते, तो मुझे बीजी साउंड आती है, आई फील बीज ड्यूरिंग दैट पार्ट। अब इसका क्या रिजल्ट होने चाहिए हमारे जहन में कि पेशेंट को क्या हो रहा है, हम क्या क्या जवाब दे सकते हैं या क्या इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है? एक तो ये कि हम कफ सिरप लिख दें और मंटिलोकास्ट स्टार्ट करें, ओरल साल्बुटामोल टैबलेट वेंटोलिन की टैबलेट दी जा सकती है, सी है इनहेल्ड साबा एज पर नीड दे दिया जाए जब जरूरत हो, और इनहेल्ड साबा दे दिया जाए, और डी ऑप्शन ये है कि इनहेल्ड ICS दिया जाए और पार्मेट्रोल दिया जाए एज पर नीडेड। तो ये एक जवाब है, तो मुख्तलिफ जवाब हैं, एक तरफ से सी आया था, एक तरफ से डी आया था, दैट्स गुड। हालांकि सबसे ज्यादा जो है ना ए इस्तेमाल होता है इस काम के लिए, लेकिन फिर भी अब जो है वो इसमें ये है कि मोंटिलोकास दी जा सकती है। सो जीना ने इस सवाल का जवाब जो अभी हमारे सामने क्वेरी आई है कि हम सी दें, हम डी दें या हम ए की तरफ जाएं, इसके दरमियान में आप बोले जी, आप ओपिनियन दें, आप सवाल ना पूछें, ओपिनियन दें। हम मैं एज ए पेड चाल कॉम, तो एस्थमा मे बी ट्रीटेड बाय हिप्नोटिज्म, सो हाउ वी कैन कंपेयर एंड व्हाट इज द लेटेस्ट स्टडी अबाउट द प्लेसिबो एंड द मोंटिलोकास्ट? ठीक है, अस्थमा के जो ड्यूरेशन है, दैट्स यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि हम लोगों को कुछ भी ना दें, सिर्फ बातें करें और उनको हम साइकोथेरेपी कर दें कि यू कैन बी बेटर, दैट्स अ गुड ऑप्शन। वो मरीज जिनमें जो के ग्रुप ए के अंदर आ जाते हैं या स्टेज ए के अंदर आ जाते हैं या क्लास 1 के अंदर आ जाते हैं, कि जिनको हम कहते हैं कि उनको सिम्टम्स SOS हो रहे हैं, कभी कभी सिम्टम्स हो रहे हैं, उन मरीजों के अंदर जब तक वीज ऑडिबल नहीं आती,
जब तक स्पायरोमीटर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, जब तक लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन जब किसी को वीज़ा आना शुरू हो जाएगी, जब उसकी लाइफ के अंदर मॉर्बिडिटी आना शुरू हो जाएगी, तब हमें उसको कुछ ना कुछ ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम होगी और ये प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अस्थमा जो है वो डेफिनेटिवली एक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर है, एंड दैट इज मीडिएटेड बाय द ऑटोइम्यून। ये ऐसा नहीं है कि वी आर प्रोन टू सम एलर्जन, एंड एलर्जन के एक्सपोजर के बाद साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, मसल्स हाइपरट्रॉफिड होते हैं और म्यूकस सेक्रेशन ज्यादा हो जाती है और वीज़ आना शुरू हो जाती है। सो इसलिए हमें उन केसेस में तो ट्रीट करना पड़ेगा। इस केस के अंदर ये माइल्ड अस्थमा है जिसमें कभी कभी सिम्टम्स हो रही है, विदाउट लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी है, 1-2 पर मंथ उसको सिम्टम्स हो सकती हैं, नॉक्चुरल सिम्टम उसको नहीं आ रही, ये क्वालिफाई कर रहा है कि स्टेप वन ट्रीटमेंट इसको चाहिए। पहले स्टेप वन ट्रीटमेंट ये था जो डॉक्टर साहब ने बताया कि सी SOS उसको सालबूटामोल दे दिया जाए, दैट वाज द स्टेप वन ट्रीटमेंट। लेकिन जो लास्ट जो गाइडलाइन आई है जीना की, उसमें इसको चेंज कर दिया गया 2019 में कि वो पेशेंट जिनको स्टेप वन ट्रीटमेंट चाहिए उनको प्रेफर्ड ये है कि आप उनको स्टीराइड जरूर दें, SOS स्टीराइड दें और साथ उसके एक शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दें। अब ऐसा क्यों है? द क्वेश्चन इज दैट कि ये है वो फर्स्ट क्लास में कि कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस करें, सिम्टम्स को देखें, सिम्टम्स देखने के बाद असेस करें कि पेशेंट किस ग्रुप में जाना चाहिए, जिसको कभी कभी सिम्टम्स हो रही हैं उसको आप स्टेप वन में रखेंगे, जिसको ज़्यादा सिम्टम्स हो रही हैं 2 times उसको स्टेप 2 में ले जाएंगे, जिसको नॉक्चुरल सिम्टम्स हैं 3 में ले जाएंगे, फिर 4 में ले जाएंगे। सो हम और इसके 2 ट्रैक कर दिए गए, एक तो प्रेफर ट्रीटमेंट है जिसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हैं, दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है कि अगर हम लोगों को ना दे सकें तो फिर क्या करना चाहिए, ये स्टेप्स इसमें मेंशन किए हैं। मैं भी इसी केस पे रहता हूँ। इस केस के अंदर लोडो वैक्सीन देने चाहिए और साबा या लावा एसएस में साथ चलना चाहिए। रैशनल क्या था? रैशनल ये था कि वो पेशेंट अपेरेंटली जिनको अस्थमा कभी कभी होता है सिम्टम्स में, उनमें ये देखा गया इनमें से 30-37% जो है इन लोगों के अंदर अक्यूट सीवियर अस्थमा बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों के अंदर, ठीक। और इनमें से देखा गया कि वो मरीज 16% में नियर फेटल अस्थमा के साथ इमरजेंसी में जाते हैं। दे क्लेम कि हमारी सिम्टम्स कभी कभी होती हैं, दे थिंक कि हम जब सर्दियां आती हैं तो गला खराब होता है, मुझे बुखार होता है, बुखार होने के बाद मेरा सांस खराब होता है, और लेकिन कई दफा एलर्जन एक्सपोजर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फिर नियर फेटल अस्थमा में जाते हैं। और ये 1-2% नहीं है, दैट इज इमरजेंसी का जब ईआर का रिकॉर्ड निकाला गया तो वो लोग जिनको लेबल किया गया था उनके एमआर के अंदर, मेडिकल रजिस्टर के अंदर, कि ये स्टेप वन ट्रीटमेंट को क्वालिफाई करते हैं, उनमें से 16% ऐसे थे जो कि लास्ट 5 years के अंदर इमरजेंसी में नियर फेटल अस्थमा के साथ आए। दैट इज ह्यूज नंबर। अगर आप 16% को देखेंगे तो इसका मतलब है कि हर 10 में से 1-1.5 बंदा या 20 में से 3 बंदे ऐसे हैं जो इमरजेंसी में आते हैं और उनको एडमिट करना पड़ता है ट्रीटमेंट। फिर ये देखा गया कि इनमें से 15-20% रिस्क है डाइंग ऑफ अस्थमा, क्योंकि नियर फेटल अस्थमा में आते हैं, एस्फिक्सिया हो जाता है, तो द रिस्क और डाइंग ड्यू टू अस्थमा इज रेज्ड टू 20%। ये स्टेप वन ट्रीटमेंट की सिर्फ बात हो रही है। अब उसकी रीजन क्या थी? कि ये वजह थी कि क्योंकि ये पहले से प्रोन होते हैं कि दे हैव एटोपी, दे हैव ब्लड ऑफ इन्फ्लेमेशन और माइल्ड इन्फ्लेमेशन गोइंग डाउन इन देयर एयरवेज। जब वो किसी हाई एलर्जिक लेवल पे चले जाते हैं, एलर्जन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया किसी वजह से, पुरानी किताबें खोली, फिनाइल वाले कपड़े खोल लिए, या उनको अपर आरटीआई बहुत ज़्यादा हो गया, इन्फ्लुएंजा निमोनिया हो गया, या कोई और इन्फेक्शन ऐसा हो गया, या परफ्यूम ऐसा लगा दिया जो उनको ट्रिगर कर दिया, तो जब उनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है एलर्जन का, तो जिसकी वजह से अक्यूट सीवियर अस्थमा होता है और वो अक्यूट सीवियर अस्थमा वर्स करता है।
इन सारी चीजों को देखते हुए ये फैसला किया गया कि लोग जो चाहे वो स्टेप वन क्वालिफाई करते हैं उनको आप स्टीराइड जरूर दें, बिकॉज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा रिमेन स्टीराइड। स्टीराइड वह चीज है जो कि एस्थमा की इंफ्लामेशन को कम कर रही है टिल नाउ। दूसरी दवाइयां जो हैं वो सपोर्टिव जरूर हैं, सो जब कोर पिलर अभी तक तो स्टीराइड ही है। सर, it is quite easy to say that you must give this steroid, but this is the worst and most dangerous to do this. How many people are standardized to have it, measure its feedback, its consequences and its hazards? This is very huge subject, but we laymen भी पाकिस्तानी चफ मारते हैं, तो टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन मैनेज टू द लेवल दैट वी डोंट डिस्टर्ब द फीडबैक। मैं आपका सवाल जहां तक समझ पाया हूं वो ये है कि स्टीराइड लेने की वजह से जो स्टीराइड बेस्ड हमारा नॉर्मल फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक ऑन ओवर टीएसएच या एसीटीएच, उसके ऊपर इसका क्या असर आता है? यही आपका सवाल है कि आई एम राइट टाइम? ओके, दैट्स राइट। एक तो हम अगर इस केस पे रहते हैं तो हम इस पे आगे भी बात करेंगे, इस पे बहुत सारा ये आगे स्लाइड और हैं तो ठीक है, आप कह दिया करें, आप नहीं बात करेंगे, दैट्स फाइन। अच्छी बात है कि आपने सवाल किया है, आप सोच रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो सवाल कर रहे हैं ना, इसकी बजाय ना सुन रहे होते तो आप कोई सवाल ना करते। सो जो नेगेटिव फीडबैक के ऊपर असर है माइक्रोग्राम्स में स्टीराइड का, लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के बाद भी 10 इयर्स के बाद भी इट वाज फाउंड एंड नेग्लिजिबल। द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज देयर, द रिस्क ऑफ इंक्रीज डायबिटीज इज देयर, द रिस्क ऑफ रिलेटिव एड्रेनल इंसफिशिएंसी इज देयर, बट द नंबर इज 3% आर लेस overall population mein, and it was not a 1 year, it was 5 years and 10 years, even it was evaluated in the kids. jo ispe bada acha jo trial hua jo mujhe bada pasand aaya wo bachchon ke upar tha, aapke sawal ke jawab ke liye main ja raha hu, lekin because of asthma dying ka risk kitna hai 15%, so this is not ideal ke aap steroid denge long term denge kuch bhi nahi hoga, the number is 3%, agar aap nahi denge the number is 15%. Now you are to decide either to look for the 3% or rather to for the 16%. to aap jis taraf dekhna chahte hain wo aapke paas option maujood hai. trial ye hua tha ki jo bacche hain ye Denmark mein hui thi study, jo bacche hain unko 15 saal tak follow kiya gaya, दो कोहार्ट बनाए गए, दोनों में तकरीबन 5,000 के करीब बच्चे रखे गए। एक ग्रुप को बच्चों को ट्रीट किया गया, ऑप्टिमल ट्रीटमेंट दिया गया, उनको स्टीराइड दिए गए, उनको बीटा 2 एग्नेस दिए गए और उनके अस्थमा को वेल कंट्रोल रखा गया। दूसरे ग्रुप के अंदर स्टीराइड को अवॉइड किया गया, उनके अस्थमा को दूसरे तरीके से, मुख्य जो तरीके हैं शरबत देने से, कुछ और ट्रीटमेंट देने से, मल्टीलुकास देने से ट्रीट किया गया, और इनको 15 साल तक देखा गया कि इनके बच्चों के ऊपर क्या असर आता है। जो टारगेट उसमें रखे गए थे वो टारगेट क्या थे, बच्चों की हाइट कितनी बढ़ती है। हम 15 साल तक बच्चों को स्टीराइड, 10 साल तक की स्टडी थी, 10 साल तक बच्चों को स्टीराइड दे रहे हैं, 5 ईयर से लेकर 15 साल की एज तक बच्चों की हाइट कितनी बढ़ती है, क्योंकि हमारे जहन में यह है कि हम स्टीराइड देंगे तो बच्चों का हाइट नहीं बढ़ेगी। बच्चे परफॉर्म कैसा कर रहे थे स्कूल के अंदर, ठीक, उनकी इंटेलिजेंस कैसी थी, नंबर 3 उनकी हॉस्पिटलाइजेशन कैसी थी, ये 3 मेन एम रखे गए। और फिर कोई और अगर अनटूवर्ड इफेक्ट बच्चों में देखा गया, जैसे किसी को डायबिटीज हो गई, किसी की सडन डेथ हो गई, इन सारी चीजों को देखा गया, टू माय सरप्राइज एंड टू फॉर एवरीबॉडी 10 साल के बाद देखा गया वो बच्चे जो स्टीरॉयड रेगुलर लेते रहे उनकी हाइट के अंदर तकरीबन 5% ज्यादा थी उन बच्चों से जिन्होंने कभी स्टीरॉयड नहीं लिया। सेम इन इंटेलिजेंस क्लास परफॉर्मेंस में, सेम इन हॉस्पिटल एडमिशन, सेम इन
स्पोर्ट्स। रिजल्ट ये देखा गया कि वो बच्चे जब बीमार रहते हैं, 10 साल तक बीमार रहते हैं, हर सर्दियां उनकी तीन सर्दियों में 6 माह तक उनकी माँ उनको बाहर नहीं निकलने देती, उनको स्वेटरों में बांध करके रखती है, सर पे कपड़ा बांध के रखती है, हर खाने से डराती है कि तुमने चाय नहीं पीनी, तुमने पराठा नहीं खाना तुम्हारा सांस खराब हो जाएगा, तुमने किन्नू नहीं खाने तुम्हारा सांस खराब हो जाएगा। तो रीज़न ये थी कि क्योंकि उनका अस्थमा अंडर कंट्रोल था, तो जब 10 साल के बाद देखा गया तो ये बच्चे ज़्यादा कम बढ़े, इनकी हाइट भी कम बढ़ी, ये ज़्यादा बीमार हुए, क्लास में भी लेस फंक्शन किया, ग्रेड्स भी कम आए। सो इफ यू ट्रीट अ डिजीज, सो वो बच्चा फिर सारा कुछ खाएगा, वो दूध भी पिएगा, वो घी भी खाएगा, वो किन्नू भी खाएगा, वो सेब भी खाएगा, वो अनार भी खाएगा, और उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, वो स्पोर्ट भी ज्यादा परफॉर्म करेगा। सर, दिस इज यू आर टॉकिंग ऑफ डेनमार्क, यू शुड रियलाइज। सर, इसको मेरे ख्याल में एंड पे कर लें, कन्वर्सेशन एंड पे कर लेते हैं हम इसको ना पहले। ठीक है, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। सो अगला जो है वो इसको हम, अच्छा ये एक एक थोड़ा सा है इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। 38 ओल्ड वुमन है जो कि वर्सनिंग कंट्रोल ऑफ माइल्ड अस्थमा के साथ पेशेंट थी। हर डिजीज वाज वेल कंट्रोल्ड विद मॉडरेट डोज ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड लावा। वो एसओएस में फार्माकोलॉजी भी ले लेती थी अंटिल 6 वीक्स। 6 वीक्स बिफोर शी हैड अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट वर्सनिंग ऑफ उसकी सिम्टम्स हुई। नाइट कफ उसको आना शुरू हो गई है, वीज आना शुरू हो गई है, और रेस्क्यू इनहेलर जो है वो 6 to 8 टाइम्स पर डे ले रही है। सो अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? नंबर वन तो ये है कि हम इसको 7 डेज कोर्स ऑफ क्विनोलोन दे दें, लेवोफ्लॉक्सासिन दे दें, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दे दें। नंबर टू ये कि हम इसको नेबुलाइज स्टार्ट करवा दें घर के ऊपर। नंबर थ्री सी जो है शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दें। नंबर फोर है कि हम इसको मल्टीलुकास ऐड कर दें। ठीक, सो ऑप्शन एक आ गई जी, सी सी सी। सो अभी तक ज्यादा आवाजें सी की आ रही हैं। ठीक है, सो इसको मैं अगर दोबारा से बताऊं, एक बंदा है जिसका अपर आरटीआई हुआ 6 हफ्ते पहले, वेल कंट्रोल जा रहा था इस ट्रीटमेंट के ऊपर, अस्थमा था लेकिन शी वाज वेल कंट्रोल्ड ऑन अ स्टेप 2 ट्रीटमेंट। अपर आरटीआई हुआ, अपर आरटीआई के बाद उसका अस्थमा एक्सेसर्बेशन में चला गया, और माइल्ड एक्सेसर्बेशन है या मॉडरेट एक्सेसर्बेशन है, और साबा लेने से ठीक नहीं हो रहा। तो अब 6 हफ्ते गुजर चुके हैं उसको, अब एंटीबायोटिक का रोल तो खत्म हो जाएगा, 6 हफ्ते गुजर चुके हैं, अपर आरटीआई था, चाहे वो बैक्टीरिया था या वायरस था, अब तो उसके रिजल्ट नहीं है। अब उसको वीज आ रही है, नॉक्सल सिम्टम ज्यादा हो रही है, उसको 6 से 8 दफा रेस्क्यू ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, तो अब हमें शॉर्ट कोर्सेज ऑफ स्टीराइड देना चाहिए ताकि वो दोबारा उसके एक्सेसर्बेशन कम हो और फौरन ही हम उसका ट्रीटमेंट वापस स्टेप टू पे ले आए। सो ये सी है जी, दैट्स गुड। जो रीजन ऑफ एक्सेसर्बेशन हैं उनको मैं, इन्फेक्शन है, कंप्लायंस की ट्रीटमेंट कंप्लायंस कम हो जाए, टेक्निक इज अ इम्पॉर्टेंट इशू कि लोगों की टेक्निक ठीक नहीं होती, एलर्जन एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए, चाहे वो एक्सो एलर्जेंस हों चाहे वो एलर्जेंस हों, उनकी वजह ज़्यादा हो जाए। ड्रग्स हैं, अगर किसी में इंटूबेशन पहले हो चुकी है या रिसेंट हुई है तो उसमें एक्सेसर्बेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है, और एम्प्टी कैनिस्टर ऑफ एमडीआई मीटर डोज इनहेलर्स हैं उनमें 120 एक्सीनेशन होती हैं, 120 दफ़ा दबाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें से हवा 150 दफ़ा दबाने से भी निकलती रहती है। तो एक एक्सेसर्बेशन की रीज़न ये भी निकलती है कि मरीज उस वक्त तक इनहेलर को इस्तेमाल करता है जब तक उसमें से फूंक फूंक होती है, जब वो ख़त्म नहीं होती तब तक उसको यूज़ करता रहता है, हालांकि जो दवाई है वो तो 120 दफ़ा दबाने से ख़त्म होती है, उसके बाद उसके प्रोपेलेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं और वो अस्थमा एक्सेसर्बेशन की रीज़न बनते हैं। रिव्यू ऑफ डायग्नोसिस हमें करना चाहिए कि लोगों में एक्यूट कॉम्पिटी सिंड्रोम हो सकता है, हम उसे एक्सेसर्बेशन समझें, उसका सांस की खराबी की वजह कार्डिक अस्थमा हो सकता है, वेरी राइट, एलबीएफ हो सकता है, निमोनिया हो सकता है लोगों में, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, तो ये भी हमें देखने चाहिए। जब पेशेंट मैनेज पेशेंट जब खराब हो के आता है तो ये रीजन हो सकता है। एक्सेसर्बेशन में जो इमोशनल स्ट्रेस है जी, एंडोजन एक्सपोजर जो है ना, वो जो
एलर्जेंस हैं वो एंडोजिनस होते हैं, जिसमें आपने बात की है कि स्ट्रेस है उसमें, एक्सोजिनस हैं जो हम बाहर से लेते हैं। अच्छा, ये केस है जो कि अस्थमा ट्रीट हो रहा था, इस पेशेंट को टेकर सिनोसिस था। अगर मैं इसको दोबारा से आपको, अगर हम रह गए हैं दोबारा से, जस्ट फाइंड दैट कि ये पेशेंट गुज़िश्ता डेढ़ साल से अस्थमा ट्रीट हो रहा था, तो ये भी एक रीज़न है कि जो पेशेंट ठीक नहीं हो रहे तो हमें उसके डिफरेंशियल को भी देखने की ज़रूरत है कि कहीं अस्थमा है भी कि नहीं। इसमें PFT स्पायरोमीट्री बहुत अच्छा टूल है जो हमें बता देता है कि इस पेशेंट में अस्थमा है या कोई और रीज़न हो सकती है। इसको फिर हमने इलेक्ट्रोकॉटरी के जरिए, नाइफ के जरिए लोकल एनेस्थीसिया के अंदर इसको ओपन किया, फिर ये कुछ अर्से के बाद अब इसकी ट्रेकिया ऑलमोस्ट रिज्यूम हो चुकी है, मुकम्मल तो नहीं हुई लेकिन ऑलमोस्ट रिज्यूम हो चुकी है। स्टेनोसिस की कॉज क्या है? पोस्ट ट्रेकिया था, इंटुबेशन हुई थी इसकी। सो हम इसको भी, अच्छा ये केस है जिसके अंदर इसका मैं आगे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ चीज़ों को कि प्रेगनेंसी के अंदर अस्थमा के ऊपर क्या असरात आते हैं। पहले ये पेशेंट ठीक थी, जब प्रेग्नेंट हुई तो इसका अस्थमा वर्स हो गया। सो इसका आंसर जो है, इसको सिंपली बता दूँ कि प्रेगनेंसी हैज़ ए फिक्स सॉर्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑन ओवर अस्थमा। 1/3 पेशेंट में ये इम्प्रूव कर जाती है, अस्थमा की सिम्टम्स इम्प्रूव कर जाती हैं, 1/3 में वर्स हो जाती हैं और 1/3 में अनचेंज रहती हैं। सो ये आपकी किस्मत है कि आपको कौन सा रजिस्टर करता है। अगर वो वर्स वाला हुआ तो यू नीड टू ट्रीट, आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर वो बेहतर हो गया तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। इसकी रीजंस क्या हैं? इसके वर्स होने की रीजन ये है कि असल में हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी वजह से स्मूथ मसल्स की टोन वर्स हो जाती है और उसका जो रोल है वो ब्रोंको डायरेक्टर के तौर पर है, जबकि जो प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती हैं और प्रेगनेंसी में दोनों रिलीज हो रही होती हैं। सो ये कम्बिनेशन, किसी में अगर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होगा तो वो बेहतर हो जाएगा और किसी में प्रोस्टाग्लैंडिंस ज़्यादा होंगे तो उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वो वर्स हो जाएगा। मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि लोग, ये एक अच्छा टॉपिक है, लोग नॉन एडेरेंट होते हैं ट्रीटमेंट में। अस्थमा का ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हैं, लोग इंजीनियर नहीं लेना चाहते, ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, उसकी कुछ रीजंस हैं। आप सब ने भी अपनी और ये रीज़न जो है हर कम्युनिटी के लिहाज से फ़र्क होंगी। एक एनएक्स से सारे अखबार नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है कि व्हाट आई एम लुकिंग वो सही होगा। आपके एनवायरमेंट में हो सकता है रीज़न कोई और हो, लेकिन जो ज़्यादा देखी गई है कि डिफ़िकल्टी एसोसिएटेड इनहेलर्स, लोग इनहेलर्स लेना मुश्किल समझते हैं, उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते कि दबाना है और साथ ही अंदर सांस लेना है। और एक पंप का फेयर है, मिथ है पंप का कि जो पंप लग गया इनहेलर लग गया, स्टिग्मा फेयर है, मिथ है, और ये एक बड़ी रीज़न है कि लोग उसको छोड़ देते हैं। DPIs ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक कम किया है और जो है उसके अलावा जो नई फॉर्म्स आई हैं इनहेलर्स की, नेक्स्ट एडर्स आ गए हैं, ये भी रिलेटिवली बेहतर हैं। कॉम्प्लिकेटेड रिजीम, मरीज को आप जितनी ज़्यादा दवाइयाँ लिख के देंगे और जितना मुश्किल ट्रीटमेंट बताएंगे कि ये सुबह ने हार्मोन लेनी है, ये खाने के 2 घंटे बाद लेनी है, ये दोपहर को 3 बजे लेनी है, ये रात को 2 बजे लेनी है, ये सोने के बाद लेनी है, ये उठने से पहले लेनी है। सो जितनी ज़्यादा दवाइयाँ देंगे, जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे, इतना ज़्यादा रीजन चांसेस हैं कि वो छोड़ देगा, वो तंग आ जाएगा। Now, it is again this psychology of the patient and it is individualized. Some people who want to involve in the medicine, they get helpful, where some people hate this. So we as a doctor must assess what is the psychology of this patient. ऐसा ही है, हम जैसे पहले बात की थी कि एक बंदा, कोई भी शख्स एक एनेक्स से तो सारे अखबार नहीं कर सकेंगे। हम एक चीज़ को तमाम दुनिया के ऊपर लागू नहीं कर सकते, पेशेंट के लिहाज से हमें चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है। और ये जो ये पैरामीटर्स दिए जाते हैं, ये सारी सिर्फ आउटलाइन है, ये जो एक आपको रास्ते के लिए माइलस्टोन दिए गए हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं आपके मरीज में। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपके मरीज में कोई दूसरी भी हो सकती है, इससे बेहतर भी हो सकती है, कोई ऐसी रीज़न भी हो सकती है कि जो यहाँ पे ना लिखी हो। सो फैक्ट, साइड इफेक्ट के बारे में लोग एग्जैजरेट भी करते हैं, कॉस्ट भी एक इशू है,
फार्मेसीज का मसला है जो है, और इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम होता है, साइड इफेक्ट ऑफ केयर की जो मैंने बात की थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी के बारे में होता है, हेल्थ के बारे में एटीट्यूड क्या है, ये भी ह्यूमन टू ह्यूमन डेवलप कर रहा था। कुछ लोग हेल्थ को सिग्निफिकेंटली बिगड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कीन होते हैं हेल्थ के बारे में, वो एक दफ़ा खांसी करें तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और दूसरे साल खांसी करें कोई दूसरा कहे कि यार चले जाओ तुम्हें कोई मसला है तो तब जाते हैं, वरना नहीं जाते। सो इन सारी चीज़ों में हमें अपने मरीजों में ये देखना है कि आपके पेशेंट में क्या रीज़न है इसके दवाई ना लेने की, उसको नाराज़ करके या उसको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है कि तू दवाई नहीं लेकर दौड़ जा दफा हो जा। यू नीड टू सी दैट कि यार इस बंदे में क्या रीज़न है कि दवाई नहीं ले रहा, हो सकता है कि वो रीज़न ऐसी हो जिसे हम सॉल्व कर सकें। इन सब आउटलाइन का मकसद सिर्फ ये है कि हम मरीज के साथ अपना लाइजोन बेहतर करने कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें कि ये मरीज ज़्यादा बेहतर दवाई दे सके, और अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लें, नहीं कर सकते तो दोबारा कोशिश करें। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अस्थमा वर्स होने में इफ़ेक्ट होते हैं दवाइयों के अलावा, उसमें ये अदर फैक्टर्स जो कि अस्थमा को वर्स कर सकते हैं, रिफ्लक्स गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज अस्थमा के पेशेंट में पाई जाती है, और अस्थमा के अनकंट्रोल होने के बड़ी रीज़न है, इस तरफ जरूर सोचिएगा। राइनाइटिस लोगों में होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप हो रही होती है जिसकी वजह से उनको रेशा नीचे गिर रहा होता है, वो खांसी करते रहते हैं और अस्थमा की सिम्टम्स अनकंट्रोल रहती है, तो राइनाइटिस को ट्रीट करना भी ज़रूरी है अस्थमा के साथ साथ। एंग्जाइटी, जैसे आपने कहा था कि जो एंडोजनस एलर्जेंस हैं कि जिसको एंग्जाइटी ज़्यादा होगी, एक्यूट स्ट्रेस आएगा, इसको भी कम करने की ज़रूरत है जिन मरीजों में ये हो, या उसकी तरफ सोचें ज़रूर कि इसके अस्थमा अनकंट्रोल में ये रीज़न तो नहीं है। कंप्लाइंस है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ड्रग्स एंड सेड्स, लोग जो हैं वो एस्प्रिन, कुछ लोगों को एस्प्रिन रिलेटेड अस्थमा होता है या एनसेड रिलेटेड अस्थमा होता है, एनसेड की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ड्रग्स के बारे में सोचें, बीटा ब्लॉकर्स दिए जा रहे होते हैं उनके बारे में देखें, आपको जो ड्रॉप्स हैं जिसमें भी बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल होते हैं उससे अस्थमा वर्स हो सकता है। सो जस्ट नीड टू सी कि यार इस मरीज में कोई ऐसी रीज़न तो नहीं है। मरीजों का ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज करें, रिव्यू देखें, और उसके बाद इयोसिनोफिलिक एंड न्यूट्रोफिलिक अस्थमा, एक नई चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं कि अस्थमा के बारे में, एक तो सिंपल ट्रीटमेंट है कि पेशेंट है अस्थमा का, उसको आप डायग्नोस करते हैं, अस्थमा की कोमॉर्बिडिटी को ट्रीट करते हैं, इनहेलर्स देना शुरू कर देते हैं, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 पे चले जाते हैं, जब 5 पे चले जाते हैं तो फिर अस्थमा को डिवाइड किया जा रहा है मुख्तलिफ शेप्स के अंदर कि ये न्यूट्रोफिलिक अस्थमा है या इयोसिनोफिलिक अस्थमा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये SOS है। स्टेप वन, जब उसको लगे कि मेरा आज सांस खराब है वो ले ले। उसके बाद द सेम, जब उसको लगे कि आज मेरा सांस खराब है, स्पायरोमीटरी लो, स्पायरोमीटर जो सिंपल है, हैंडहेल्ड स्पायरोमीटर्स हैं, पीक फ्लो मीटर्स हैं, उससे भी चेक किया जा सकता है कि अगर इसकी FEV1 पीक एस्पिरेटरी फ्लो रेट 20% कम हो गया तो कभी वो ले सकता है, कफ ज़्यादा हो गई है या फिर सिम्टम्स आ गई है तो वो SOS करेगा। मैक्सिमम 40 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम पर केजी है, बट मैक्स अपर कैप है, अगर 120 का भी है तब भी आप 40 से ऊपर नहीं। और उसको टेपर करने की जरूरत है, उसको टेपर 14 डेज तक जब हम स्टीराइड देते हैं तो उसको टेपर करने की जरूरत है, उससे ज़्यादा दें तो आपको जरूरत है कि आप टेपर करें, क्योंकि हमारा जो जो हाफ लाइफ है जो हम स्टीराइड देते हैं उसकी 7 डेज है, तो एड्रिनल एक्सेस के ऊपर जो इसके असरात आते हैं वो 14 डेज के बाद स्टार्ट होते हैं। टेपरिंग के पीछे जो रीज़न है वो तो ये है कि हमारा जो एड्रिनल एक्सेस है, TSH एड्रिनल एक्सेस जो है वो नेगेटिव फीडबैक की वजह से स्ट्रेस ना हो जाए, तो रिलेटिव इंसफिशिएंसी को खत्म करने के लिए पेशेंट हाइपोटेंशन में चला गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, इसलिए ये पेपर किए जाते हैं।
सर एक चीज पूछनी है, कार्डियोस्टेरॉइड इज रिलीज्ड बाय द स्ट्रेस, एस्थमा इज द स्ट्रेस, व्हेन इट इज रिलीजिंग एंड बाय फीडबैक इट इज इंक्रीजिंग, तो देन व्हाई नॉट इट इज इट सेल्फ कंपेंसेटिंग एंड एट व्हाट लेवल वी मस्ट ऐड अप दी स्टेरॉइड। जो हमारी बॉडी में स्टेरॉइड का रिलीज होना है वो तो स्ट्रेस के साथ नहीं है, सिर्फ उसके मैकेनिज्म तो मल्टीपल हैं, उनमें से जो 80% है वो तो हमारा ब्रेन के साथ रिलेटेड है, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन के साथ रिलेटेड है, 20% जो है वो हमारी किडनी के साथ एड्रेनल्स के साथ एसोसिएटेड है। सो जब डिजीज में लोगों का अस्थमा होता है तो अस्थमा उसी वक्त होता है जब हमारा एक बैलेंस है हमारे हर काम के अंदर, वी हैव बोथ साइड ऑफ अमीनो मॉड्यूलेटर्स, वी बोथ साइड ऑफ हार्मोन्स इन अवर बॉडी, ब्रोंको डायरेक्टर भी हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर भी हैं, वेजो डायरेक्टर भी हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर भी हैं। जब ये बैलेंस खराब होता है तो फिर हम एक डिजीज की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन में हमारे स्टिमुलेटर भी हैं ब्रेन के अंदर और इनहिबिटर भी है, डोपामिन भी है, सेरोटोनिन भी है, सेरोटोनिन भी है। जब ये बैलेंस खराब होता है तो डिजीज होती है। जब हमारा अपना नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म फटीक होता है तो तब ही डिजीज होती है, जब तक वो फटीक नहीं होता तब तक हमें कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो जब सिम्टम्स आना शुरू हो गई है तो हमारा नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फटीक हो चुका है, अब हमें दवाई की या सपोर्ट की जरूरत है। As you said, in one third of the pregnancy, pregnant patient, when there is an asthma and the situation becomes serious because of the progesterone. So what do you advise them in this case, in such patients, we should increase the dose of steroid or what we should do for? Yes, आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल भी है कि वो पेशेंट जिनको प्रेगनेंसी हुई और अस्थमा वर्स हो गया, क्योंकि वन थर्ड लोगों में वर्स हो सकता है वन थर्ड में नहीं होता, तो उनमें क्या करना चाहिए? मेन जो हमारा गोल है वो तो अस्थमा को कंट्रोल करना है। अगर वो स्टेप टू पे है तो हम स्टेप टू पे ले, स्टेप थ्री पे ले जाएंगे, स्टेप थ्री पे है तो स्टेप फोर पे ले जाएंगे, और अगर उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा तो हम स्टेप फाइव पे ले जाएंगे। तो अस्थमा को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है, उसमें इन्हेल स्टेरॉइड बढ़ाना सबसे पहला स्टेप है। उस पे नहीं ठीक होता तो हम डायटोपियम ऐड कर सकते हैं, उसे नहीं ठीक होता तो फिर हम बायोलॉजिक की तरफ जा सकते हैं या और स्टेरॉइड की तरफ जा सकते हैं। सर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन टू फैक्टर्स, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैविंग एन इफेक्ट ऑन द जीआई ट्रैक्ट एंड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आपके पास कोई ऐसी स्टडी है कि बिकॉज देयर वी हैव अ चॉइस टू स्विच ओवर टू आईसीएफ माइंड में साधा और लापा, तो व्हाई नॉट वी गो स्ट्रेट अवे ऑन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड रादर देन द ओरल वन। एक बात दूसरा साथ ये भी एड्रेस कर दे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है और में 400-500 हमारा जीरो का मतलब है क्लीनेस्ट ईयर है और 500 का मतलब है कि बेस्ट ईयर है, सो इसके दरमियान में हॉवर करता। अब हम 300 से 400 के दरमियान में हॉवर कर रहे हैं। जो हमने कोविड में प्रिकॉशंस ली वही प्रिकॉशन अगर हम लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। मास्क इस्तेमाल करें सबसे बेस्ट है, अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखें जैसे हम पहले उस पर करते थे, और पोल्यूशन को कम करने में अपना हिस्सा डालें। हम सारे तो नहीं कर सकते लेकिन अपना एक पार्ट अदा कर सकते हैं, ये वो चीज़ है जो हम कर सकते हैं। फॉग आ जाएगी, स्मॉग आ जाएगी, तो आप अपने मरीजों को कहोगे कि जिस टाइम पे स्मॉग ज़्यादा है उस वक्त अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें, 6 बजे सुबह से लेकर 8 बजे तक होती है, शाम को भी इसी टाइम पर होती है, तो ये वॉक करने वाले लोगों का टाइम है, उस वक्त वॉक करने से एहतियात करें, उसके अलावा वॉक करें, बाहर टाइम इस्तेमाल करें, ये तो हमारे प्रिकॉशन कर सकते हैं। दूसरा जो आपका जवाब ये था वो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई लाइक दैट, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि भाई अगर हम लोगों को ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, एक्सेसर्बेशन की बात हो रही है, एम आई राइट, हम एक्सेसर्बेशन में बात कर रहे हैं कि एक्सेसर्बेशन में एक मरीज है उसको आपके पास ऑप्शन है कि आप ओरल स्टेरॉइड दें
या उसको इनहेल स्टीराइड दें। जब इनहेल स्टीराइड के साइड इफेक्ट कम है, कॉर्टिकोटॉफिन के ऊपर भी कम है, जीआई भी कम है, ऑस्टियोपोरोसिस भी उससे कम है, तो हम फिर जो है उन लोगों को ओरल स्टीराइड क्यों देते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। देखा ये गया कि अगर हम लोगों को इनहेल स्टीराइड बढ़ाते हैं तो फिर हमें इनहेल स्टीराइड बढ़ाने के बाद हम कितने बढ़ा सकते हैं इनहेल? फर्स्ट किया 100 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम, 2000 माइक्रोग्राम, यही हमारे पास ऑप्शंस है ना। हम जैसे हम फास्टर की अगर बात करते हैं तो 200 माइक्रोग्राम के पफ पे हम 4 पफ दे देंगे, 6 पफ दे देंगे, 10 पफ दे देंगे, 10 पफ दे के भी आप 200 माइक्रोग्राम तक जाएंगे। अगर हम किसी को 200 माइक्रोग्राम तक इनहेल स्टीराइड देते हैं तो उसके बाद भी लोगों को हो सकता है कि उस एक्सेसरबेशन को ठीक होने में 2 माह लग जाए। हम सारे के सारे लोगों को क्लेनल से नेबुलाइज करवा रहे होते हैं जब एक्सेसरबेशन में जाते हैं, और कुछ लोग 3 दफ़ा करवाते हैं, कुछ 2 दफ़ा करवाते हैं, लेकिन मरीज ठीक तो नहीं होता। अगर ठीक होता भी है तो वो 2 माह तक ठीक होता है। तो ये जो 2 माह हैं इनकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, और जो क्यूमुलेटिव डोज देखी गई कि 2000 माइक्रोग्राम डेली फॉर 2 मंथ, और दूसरी तरफ आप उसको 20 मिलीग्राम फॉर 5 डेज दे देते हैं, तो क्यूमुलेटिव डोज जो थी वो कम देखी गई। ये सर काफ़ी सारे ट्रायल हुए तो देखा गया कि जब आप शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्टेराइड देंगे ओरल, तो जो क्यूमुलेटिव डोज आएगी पूरे साल की लोगों की वो उससे कहीं कम हुई। क्योंकि उससे बहुत अच्छी मोडालिटीज आना शुरू हो गई है, जब नहीं थी तो था। मैग्नीशियम सल्फेट जो नियर फेटल एस्थमा है, वो एस्थमा जो कि एमरजेंसी के अंदर ठीक नहीं हो रहा, आपने नेबलाइज भी कर दिया, स्टीराइड भी दे दिए, बैक टू बैक नेबलाइज कर दिया, दोबारा स्टीराइड दे दिए, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, यू कंसीडर दैट कि यार ये पेशेंट अगर कुछ अर्थ तक गया तो वेंटिलेटर पे चला जाएगा या क्रैश कर जाएगा। ऐसे केसेस के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का रोल देखा गया, अच्छा रोल निकला। जबकि जो अमाइनोफाइलिन थी उसका रोल इतना इफेक्टिव नहीं देखा गया, उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ टाइमिंग है स्टार्ट होने की वो ज़्यादा है, वो 1 घंटे के अंदर ब्रोंको डायलेटेशन स्टार्ट करती है। फिर उसके एरिथमियाज बहुत हैं, एक पेशेंट को टैकीकार्डिया वैसे हुआ होता है, उसको सांस नहीं आ रहा, उसकी सैचुरेशन 80 पर आई हुई है और उसका हार्ट रेट 120 है या 130 पे पहुंचा हुआ है, आप अमाइनोफाइलिन लगाएंगे तो वो बढ़ के 150 पे चला जाएगा। लेकिन जब उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, राइट, कि उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो अमाइनोफाइलिन लोगों में ब्रोंको डायलेशन करती है वो 1 घंटे में जाके करती है, मैग्नीशियम सल्फेट यही काम 5 से 15 मिनट में कर देता है, सो इसलिए उसकी गुटी चढ़ गई है, वो ज़्यादा फायदेमंद है। डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन का क्या रोल? स्टीराइड आप कोई भी लें, एक्चुअली दे इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम एज फार एज एस्थमा इज कंसर्न। सो डेक्सा दे देंगे या हाइड्रोकॉर्टिसोन दे देंगे, उन दोनों का तकरीबन एक जैसा इफेक्ट ही आता है। आपको ये देखना है कि इनकी डोजेज कैलकुलेशन करनी है आपने, कि वो 5, 4, 5 और 20 वाला रूल आप तमाम ने 1, 5 और 20 वाला रूल सबने पढ़ा होगा कि एक डेक्सा जो है मिथाइलप्रेडनिसोन 5 के बराबर है और जो है वो 1 = 20 हाइड्रोकॉर्टिसोन के बराबर है। सो डोजेस को अगर हम इक्वलेंस कर लेते हैं तो फिर इनके इफेक्ट्स एक जैसे हैं। अगर आप किसी को 1 cc डेक्सा लगा रहे हैं और 5 मिलीग्राम प्रेडनिसोन लगा रहे हैं और 20 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन लगा रहे हैं तो ये वैसे तो 1, 5 और 20 हो जाएंगे, लेकिन मरीज पर जो इफेक्ट आएगा वो सेम आएगा, साइड इफेक्ट में भी और रिस्पांस में भी। सर पहले एक होता था वेंटाइड इनहेलर, उस दैट वाज द वेरी पोटेंट एंड इट वाज सीन दैट द पेशेंट डेवलप्ड कुशिंग एंड नाउ फॉस्टर इनहेलर इज इक्वली पोटेंट, तो दैट वाज लेफ्ट एंड
moreover, with foster, if somebody uses it for some time, no other inhaler is getting, patient is getting relief of that type. So how we should justify this so potent and for long time? ये आप कुछ डालते तो नहीं है फॉस्टर में ऐसी चीज के लोग उसके बाद किसी और को पसंद ही नहीं करते? डॉक्टर साहब का पहला सवाल तो ये है कि जो एक दफा फॉस्टर इस्तेमाल कर लेता है किसी और इनहेलर को जो है वो फिर पसंद ही नहीं करता। तो इसका जवाब तो जो है वो मलिक साहब देंगे। टेक्निकली सेइंग के जो ज़ेलटाइड है या आप ये इनहेलर जो वेंटाइड सॉरी वेंटाइड जो वेंटोलिन और उसके अंदर सामने जिसके अंदर हमें शॉर्ट एक्टिंग स्टीराइड चाहिए होते हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि इन दोनों में प्रैक्टिकली सेइंग कोई इफेक्ट आएगा। लेकिन बाद में जिनमें हमने लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट देखनी है उन लोगों के अंदर मुख्य प्राइस के अंदर एक स्टीराइड बेहतर आ जाता है, दूसरे में दूसरा बेहतर आ जाता है, किसी में ग्लूकोनाइड आ जाता है, किसी में साल में आ जाता है। इन दोनों के हेड ऑन हेड ट्रायल चलते रहते हैं। और टू मी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि सैरिटाइड पर बहुत अच्छे ट्रीट हो जाते हैं, हम उनको फॉस्टर दे रहे होते हैं और उसमें वो नहीं ठीक हो रहे होते। दूसरे वो हैं जिनको हम सैरिटाइड पे ठीक नहीं हो रहे तो वी हैव टू स्विच टू द फॉस्टर। सो ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिफरेंस मौजूद है। लेकिन जो वेंटाइड है वो भी स्टेप वन के लिए इतना इफेक्टिव है, इसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है। जो चीज जैसे है, अगर एक स्टीराइड आप एक फॉर्म में दे रहे हैं दूसरी फॉर्म में दे रहे हैं मेडिसिन ले रहे हैं, स्प्रीन ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, व्हाट शुड दे डू कि उनका जो है एस्थमा भी ट्रीट हो और साथ में जो हार्ट डिजीज है जो ज्यादा सीरियस है और ज्यादा उसके पहले तो चॉइसेस कम थी, अब तो जो हार्ट फेलियर के पेशेंट में चॉइसेस हमारे पास ज़्यादा आ गई हैं। आइवरमेक्टिन आ गई है, हमारे पास आइवरमेक्टिन मौजूद है जहाँ आपने बीटा ब्लॉकर देने ही देने थे। पहले हमारे पास सरप्रेसर थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थे, अब हमारे पास मॉडिफाइड ट्रीटमेंट आ गई हैं जिनके अंदर ब्रोंकोडायलेटर भी हैं और सॉरी वैसोडायलेटर इफेक्टिविटी भी है और हार्ट रेट भी कम करती हैं, तो वो बीटा ब्लॉकर से ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं, तो उनको वहाँ पर स्विच किया जा सकता है। जो डोजेज है कि जब आप लोगों का अस्थमा ठीक करते हैं और उस पर टैकीकार्डिया ज़्यादा होने का जो रिस्क है, जो इनहेलर्स हैं उनके साथ तो बहुत कम देखा गया है किसी ने ऐसा कहा हो कि हमारा इस इनहेलर के साथ हो गया। नेबुलाइजेशन से प्रॉब्लम्स हैं लोगों को जिसमें वेंटोलिन है और यू कैन अवॉइड वेंटोलिन, यू कैन गिव इप्रेटोफैन ब्रोमाइड और उसके बाद लिबेल लेबलबुटरॉल भी मौजूद है, आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। सो अस्थमा को मैनेज करने से कार्डिक स्टेटस भी बेहतर होगा और वो तो ज़रूरी है, पर इनहेलर के साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है लोगों में। अगर चेंज कोई लोग कहते भी हैं वो जैसे कि आई एम टेकिंग दिस जो एक इनहेलर ले रहा हूँ इससे मेरा टैकीकार्डिया वर्स हो जाता है, वी कैन चेंज द ब्रांड एंड वी कैन रिड्यूस इट। Inhaler, then there is less risk of taking these bloody things. Thank you very much, sir. बहुत informative, बहुत comprehensive lecture. बहुत अच्छा लगा आप सब।
एक अनाउंसमेंट है कि जी आप सबको पता है कि आपकी अपनी कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स कॉन इंशाल्लाह 11, 12 और 13 फेब को पीसी में होगी, तो अभी से उसके लिए अपनी मसरूफियात के लिए जगह मसरूफियात में से जगह रखने कि 11, 12, 13 फरवरी को हम इंशाल्लाह सब इकट्ठे होंगे 3 दिन के लिए पीसी लाहौर में। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन करेंगे थोड़े दिनों में, जो भी फैसिलिटेशन चाहिए वो हम हाजिर हैं, जो आपकी सजेशंस हों वो हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है उसमें, कोई आप लेक्चर रखवाना चाहें, कोई और एक्टिविटी उसमें रखना चाहें, तो हम उसके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह ताला।